हेलो दोस्तों, बिंदु विलेज ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, आशा करते हैं आप खुश होंगे। नाग पंचमी की आपको बहुत बहुत बधाई दोस्तों, हार्दिक शुभकामनाएं। तैयारी में आ गए हैं, लगा है बढ़िया। देखिए कैसे बढ़िया सुंदर सा फूल आया है, ये देखिए सीताफल के फूल कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों ने। ये दोस्तों देख रहे हैं बढ़िया अच्छा सा, देखिए कितना बढ़िया कोहरा आया हुआ है। कद्दू सीताफल जिसे बोलते हैं, और ये छप्पर पे इसकी बेल गई हुई है, ये कितना सुंदर। ये जो फूल आप देख रहे हैं नेनुआ का भी फूल है दोस्तों, ये देखिए बढ़िया छप्पर पे गई है इसकी बेल। ये देखिए बढ़िया सीताफल आया हुआ है, हम इसी को तोड़ने, इसी की रेसिपी हम आपको बनाएंगे और दिखाएंगे। आप हमारी वीडियो में बने रहिए दोस्तों, जो देखने में कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों। देख रहे हैं आप बढ़िया हरा हरा पेड़, बढ़िया अच्छा सा येलो येलो फूल। हम कोहड़ा यानी सीताफल लेके अपने घर आ गए दोस्तों, तो हम चल रहे हैं सीताफल की रेसिपी बनाएंगे यानी सब्जी बनाएंगे दोस्तों, आप हमारी वीडियो में बने रहिए। देखिए हम आ गए अपने घर, अच्छा लग रहा है। हम सीताफल के कलर में बढ़िया रंग गए हैं दोस्तों, तो आज हम सीताफल की सब्जी बनाएंगे। गाँव में लेडीजें सीताफल को नहीं काटती हैं, इसलिए देखिए हमारा बेटा दो भाग में कर रहा है कोहड़ा को। देखिए हमारा बेटा दो भाग में कर दिया, अब हम चल रहे हैं इसको। हमारे यहाँ हसिया से सीताफल की सब्जी काटी जाती है, इधर हमारी मम्मी भी हमारा हेल्प कर रही हैं, तो आलू छील रही हैं और प्याज छील रही हैं, और मैं सीताफल की सब्जी काट रही हूँ। हमने उसके बीच से काट के देखिए एक बार में ही छोटे छोटे इसके बीच से चीरा लगा लिए हैं, तो हम एक ही बार में काट रहे हैं ये देखिए। और हम इसका छिलका नहीं निकाले हैं, जो हमारा सीताफल है बढ़िया सॉफ्ट है। सीताफल को काट लिया, मम्मी जो हमारी आलू काट रही हैं, अब हम उसको काटने जा रहे हैं। ये दोस्तों हमारा तड़का भी तैयार हो गया। हल्दी पाउडर ले रखा है और लाल मिर्च पाउडर ले रखा है, धनिया पाउडर ले रखा है, और इधर दोस्तों हम काला चना उबाल कर ले रखे हैं दोस्तों। आलू और सीताफल है दोस्तों, और दो टमाटर हमने ले रखा है। तब हम चल रहे हैं रेसिपी बनाएंगे दोस्तों। आप हमारा चूल्हा जल गया, मैंने कढ़ाई भी रख दिया, हमारी कढ़ाई गर्म हो गई। अब हम कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल, कम तेल में सब्जी बनाएंगे सीताफल आलू और चना की सब्जी। देखिए हमारा तेल गरम हो गया, अब हम इसमें डालेंगे मेथी। मेथी बढ़िया देखिए ब्राउन ब्राउन सी हो गई, जल गई है, तब हम इसमें डाल रहे हैं साबुत काली मिर्ची। ले बढ़िया काली मिर्च साबुत डाल देते हैं, तो सब्जी में अच्छा सा टेस्ट आता है। मिर्च भी पक गई है, अब इसमें हम डालेंगे, आप देख रहे होंगे प्याज लहसुन हरी मिर्च,
तो हम इसमें प्याज डाल रहे हैं, सबसे पहले मसाला डाल दे रहे हैं, सारा तड़का डाल दे रहे हैं। ये देखिए तर भी कट गया हमारा, इधर तड़का हो रहा है। और आज हम जो सब्जी बनाने जा रहे हैं दोस्तों, देखिए हमारे पास कोई गरम मसाला नहीं है, और वो पूरी के साथ खाएंगे, बहुत अच्छी लगती है ऐसी सब्जी। हमारे तरीके से बनाइए, हम छोले डाल के बनाएंगे। देखिए काला वाला छोला है, काले वाला आप, ये हमारा तड़का अच्छा सा हो गया ब्राउन ब्राउन, इसको बहुत जलाना नहीं है। तो हम इसमें डालेंगे टमाटर, ये देख रहे हैं इसमें डालेंगे टमाटर। और टमाटर पकने के लिए, जल्दी पकने के लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक डालने से टमाटर जल्दी पक जाता है, इसको मिला लेंगे। देखिए मसाला मिल गया है, अच्छा सा तैयार हो गया। अब हम इसमें डाल मसाला, अब हम इसको कढ़ाई छोड़ने तक ऐसे इसको हम घुमाते हुए चलाएंगे। छोड़ने लगा बढ़िया, हम ये सीताफल आलू की सब्जी और छोले डाल रहे हैं कढ़ाई। इसमें मसाला मिला देंगे, और हम अब इसी में काला वाला चना भी मिला देंगे। अब हम इसको ऐसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही ढक देंगे ताकि मसाला सब्जी के अंदर सीझ जाए। अब हम इसको ऐसे ही बिना पानी डाले हुए ऐसे ही ढक देते हैं ताकि सब्जी के अंदर मसाला सीझ जाए। तो हमने सब्जी को ढक दिया। अब जब तक हमारी सब्जी तैयार हो रही है तब तक हम आटा बना लेते हैं, पूरी वाला आटा। दोस्तों आप हमारी वीडियो में बने रहिए। ये देखिए अब हम सब्जी में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि सीताफल में पानी छूटता है। और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, स्वाद के अनुसार हम नमक डाल रहे हैं हमने। और अब हम ढक देते हैं, जब तक हमारी सब्जी हो रही है तब तक हम आटा बनाते हैं। देखिए हम आटा भी लेके आ गए हैं। ये देखिए दोस्तों बढ़िया हमारा अच्छा सा आटा तैयार हो गया। नमक अजवाइन डला हुआ आटा है दोस्तों, इससे बढ़िया अच्छी सी पूरी बढ़िया टेस्टी है हमारी सब्जी। देखिए हमारी सब्जी होने वाली है दोस्तों बढ़िया अच्छी सी। ये बढ़िया लुटपुट सी सब्जी हमारी हो गई, अब हम इसको उतारते हैं। पूरी के लिए दूसरी कढ़ाई चढ़ा दिया। हमारा तेल गर्म हो गया तो हम दो टिकरी ऐसे ही, सबसे पहले पूरी बनाने से पहले दो टिकरी ऐसे डालते हैं दोस्तों जो हम चूल्हे पे।
हमारी ये पूरी हो गई जो हमें चूल्हे पे चढ़ाना है दोस्तों, तो हम इसको निकाल के चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे, देखिए ये ऐसे, ये देखिए बढ़िया फूली फूली पूरी हमारी। तो दोस्तों हमारी पूरी तैयार होने वाली है, इतना आटा बचा हुआ है। ये देखिए दोस्तों हमारी पूरी बन गई। अब हम चल रहे हैं अपने मम्मी पापा को खाना देंगे। आप हमारी वीडियो में बने रहिए। आओ भैया, हाथ लगाइए, एक साइड।